हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल टॉक ऑन कोर्सेज कंडक्ट बाय सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन एक सब डिपार्टमेंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। द पर्पस ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज टू दैट अपडेट योर करंट नॉलेज और करंट कोर्स ऑफ स्टडी। जो स्टूडेंट्स और जो वर्किंग प्रोफेशनल अपनी जॉब में है या हायर स्टडी कर रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट अगर कोर्स करना अगर वो चाह रहे हैं तो सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वी ऑल नो इज नंबर वन रैंक्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से शॉर्ट टर्म कोर्सेज, प्रोफिशेंसी कोर्सेज अवेलेबल है। ये कोर्सेज जनरली साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए हैं, लाइक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बायोटेक। इन जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज या प्रोफिशिएंसी कोर्स करना चाहते हैं एक नॉमिनल फी के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से, वो इस तरह की स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हैं और अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। गूगल पर जब आप सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन IISC टाइप करेंगे तो जो फर्स्ट रिजल्ट है CCE.IISC, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा वेबसाइट आपके सामने होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफिशिएंसी कोर्स एंड शॉर्ट टर्म कोर्स। फर्स्ट प्रोफिशिएंसी कोर्स, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कोर्स और ये पूरा एक इन्फॉर्मेशन इन कोर्सेज के बारे में। जो फी है, हर एक कोर्स की फी 5000 पर क्रेडिट एंड रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपीज़ पर कोर्स। जो जितने भी क्रेडिट का कोर्स होगा 2, 3, 5, तो हर पर क्रेडिट 5000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। क्रेडिट सिस्टम कोर्स है, मीन्स फुल्ली वैलिड और एप्लीकेबल कोर्स है। जब आप फर्दर ग्रोथ के लिए जाएंगे अपने करियर में तो ये कोर्सेज पूरी तरह से वैलिड आपके गिने जाएंगे। और ISS बेंगलुरु का नाम तो है ही इसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी कोर्सेज हैं जो ये करवा रहे हैं प्रोफिशिएंसी कोर्सेज, वो आपके सामने होंगे। आप इसमें देख सकते हैं ये सभी जो कोर्सेज हैं जनरली टेक्निकल बैकग्राउंड्स के जो प्रोफेशनल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं। उनके आगे इन्होंने क्रेडिट भी लिख रखा है 2+0, 2+0। तो आप देख सकते हैं पर क्रेडिट जो कोर्स की फी है 5000 रुपीज़ है। और इंजीनियरिंग, फार्मा, उससे बायोटेक, उससे रिलेटेड सारे कोर्स आपको यहाँ मिल सकते हैं। प्री क्लिनिकल रिसर्च पर्सपेक्टिव, तो फार्मा बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, फार्मा बैकग्राउंड के लिए लेबोरेटरी ट्रेनिंग, एनिमल मैनेजमेंट भी है। और जो ग्राफ एनालिटिकल एल्गोरिदम एप्लीकेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन मेथड्स, तो ये सभी बैकग्राउंड जो टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग, फार्मा, बायोटेक, उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोफिशिएंसी कोर्स हैं इनके आगे इन्होंने फैकल्टी मेंबर्स जो उस कोर्स को कंडक्ट करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट इस कोर्स को कंडक्ट करेगा, वो पूरी डिटेल दे रखी है। तो ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज है, जो भी जिस कोर्सेज में आपको इंटरेस्ट है आपको सिंपली यहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको जस्ट जाके क्लिक करना है, अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही सब कुछ होगा और जो भी फी है वो पे करनी है। तो एक करियर को ग्रो करवाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं ये। सेकंड जो ऑप्शन है आपके पास प्रोफिशिएंसी कोर्सेज के अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज, उसके अंदर आप देख सकते हैं सेल्फ सपोर्टिंग कोर्सेज आपके लिए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज जो अभी ओपन हैं या हो चुके हैं, जो हो चुके हैं वो वापस से निकलेंगे। ये ईयरली बेसिस पे ये कोर्सेज ओपन होते हैं। तो जो भी कोर्सेज है, आप जिस कोर्सेज में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। आपको तो थ्रू आउट द ईयर इन वेबसाइट को विजिट करते रहना है। अभी जो ओपन कोर्स है आप देख सकते हैं मेथड इन सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उस पर जब आप क्लिक करेंगे जनरली लाइफ साइंस और फार्मेसी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए हैं। इनके अंदर मैंने पूरा उनको बता रखा है कि इसके अंदर क्या आपको बताया जाएगा, जीनोमिक एंड प्लाज्मिक, प्लाज्मिक DNA आइसोलेशन, RNA आइसोलेशन, जो भी लाइफ साइंस की टेक्निक्स है। तो बायोटेक और फार्मा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल कोर्स होगा ये सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ISS बेंगलुरु के थ्रू। इनकी उन्होंने पूरी डिटेल दे रखी है, जो पार्टिसिपेंट, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, कॉलेज स्टूडेंट्स है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, इंडस्ट्री रिसर्चर्स, जो भी फार्मेसी या बायोटेक बैकग्राउंड से, वो इसके लिए एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने दे रखी है MSc, BTech, BPharm, BSc, MSc, MPharm भी एलिजिबल है। कोर्स कोऑर्डिनेटर का एड्रेस है, अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फी 5000 रुपीज़ प्लस 18% GST है। तो सिंपल 5000 रुपीज़ प्लस 18% GST इसका पूरे कोर्स का फी है। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई जो है 15 अप्रैल, अभी ये ओपन है। और जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का 24 मई टू 28 मई 2021, तो 5 डे का कोर्स है। और इसके लिए आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा और बाकायदा
सर्टिफिकेट मिलेगा, जो क्लासेस विल बी कंडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम। तो एक अच्छा कोर्स है अगर आप अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को एडवांस लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज में इफ वी गो फर्दर देन देयर इज ISC टैलेंट स्प्रिंट कोर्सेज। अगर इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह के कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम होंगे जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं और उनकी फी भी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें आपको पूरी तरह से वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में डिजिटल हेल्थ एंड इमेजिंग, बी फार्म या बी टेक या बायोटेक के बाद अगर आप कुछ स्पेशलाइज कोर्स करना चाहते हैं और PH कोर्स पूरी तरह से जॉब ओरिएंटेड होते हैं, स्पेशलाइज स्किल आपको दी जाती है, तो जॉब जो होती है हायर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो ईजिली आपको हायर कर लेते हैं। इस कोर्स के बारे में जो डिजिटल हेल्थ एंड इमेजिंग का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसका पूरा उन्होंने डिटेल दे रखा है, कौन कौन से लोगों के लिए ये है, प्रोफेशनल वर्किंग इन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी बिल्डिंग एंड टेली मेडिसिन, तो काफ़ी एडवांस कोर्स है और जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, करियर एक्सीलरेटर कोर्स है। तो बी फार्म के बाद एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि अगर कुछ लोग एम फार्म ना करके स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्पेशलाइज कोर्स करना चाहते हैं, तो ये इनके साथ के पास एक ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। इस सर्टिफिकेशन कोर्स की जो ड्यूरेशन होगी 6 मंथ होगी और लाइव क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन कोर्स होगा। आप देख सकते हैं क्लासेस ऑन सैटरडे एंड संडे, तो संडे और सैटरडे को इसकी क्लासेस लगेगी। द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट इज बैचलर्स और मास्टर इन साइंस इंजीनियरिंग मेडिसिन फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, वर्क एक्सपीरियंस लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। मीन्स जो वर्किंग प्रोफेशनल स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है जो इस फील्ड में, जो रिसर्च फील्ड में है या इंडस्ट्री के अंदर है, वो अगर ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है। जो फी है कोर्स की 1,68,000 अर्ली फी है और उसको आप EMI में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक इस प्रकार सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है डिजिटल हेल्थ एंड इमेजिंग, या जो हायर स्टडी मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट्स या बी फॉर्म स्टूडेंट अगर वो भी करना चाहते हैं तो वो भी ये कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन ISS बेंगलुरु, यहाँ पे आप अपनी स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो फार्मा बैकग्राउंड से या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या बायोटेक बैकग्राउंड से जो वर्किंग प्रोफेशनल से या स्टूडेंट से अगर वो ये कोर्स करना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन इनके पास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उनकी वेबसाइट पर जाके आप कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए, जो नए नए कोर्स आ रहे हैं वो आप कंटिन्यूस विजिट कर सकते हैं, और जो कोर्स आपको लगता है कि आपको करना चाहिए उसके लिए आप अप्लाई करें। पूरी तरह से ऑनलाइन है, आपकी जॉब और आपकी जो आप स्टडी करें उसके साथ में इन कंटिन्यूस साइमल्टेनियसली आप इन कोर्सेज को कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो पसंद आएगा, धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।